गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम्याज लाइफ। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं कैसे करके अपनी जो फ्रीज है उसको ऑर्गेनाइज रखती हूं, और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स कैसे आप सब्जी और जो फ्रूट्स है उसको काफ़ी टाइम तक फ्रेश और अच्छा रख सकते हो। सो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं मेरी फ्रीज ऑर्गेनाइजेशन टूर। सो ये जो मेरी फ्रीज है सैमसंग की है, जो कि है 253 लीटर की है, और ये आई थिंक 2018 का मॉडल है, क्योंकि हम लोगों का जब शादी हुआ था तभी लिया था हम लोगों ने, मतलब शादी से थोड़ा पहले एंगेजमेंट के बाद। वो ये जो फ्रीज है 3-4 मेंबर के लिए एनफ है। सो हमने डिसाइड किया था कि थोड़ा बड़ा फ्रीज लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो स्टोरेज में। सो दैट्स वाई तब हमने थोड़ा ये बड़ा वाला फ्रीज लिया था, डबल डोर का। सो पहले चलिए फ्रीजर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर। सो मेरा जो फ्रीज़र है वो डिवाइडेड है दो सेक्शन में, ऊपर है एक और नीचे है एक। नीचे वाला जो है आइस का ट्रे है, यहाँ पर नीचे आइस को ट्विस्ट करके निकाल के स्टोरेज करने के लिए भी है यहाँ पर। और ये दो सेक्शन है। सो ऊपर वाला सेक्शन में नॉर्मली मैं आइसक्रीम और जो फ्रोजन आइटम्स होता है लाइक आलू टिक्की, और यहाँ पर मैंने मटर जो है उसको छिल के रखा है। ये कोई रेडीमेड फ्रोजन नहीं है, अभी स्टोरेज करना चाहते हैं मटर को इस तरह से आराम से आप स्टोर कर सकते हैं, और ऐसा आपका जो मटर है 3 मंथ्स आराम से रह जाएगा, कोई भी ख़राब नहीं होगा। मार्केट में जो फ्रोजन मटर्स अवेलेबल होता है उसमें केमिकल डला हुआ होता है, तो वो 6 मंथ आराम से रह जाता है। आप इसको ऑलमोस्ट 3-4 मंथ तक आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना छिले हुए मटर को जैसे कि आप मार्केट से लाते हैं तरह से रखें, मैम आपका आई गेस 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। 15 दिन के बाद मेरा भी थोड़ा बहुत ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप अगर ट्राई कीजिए एक बार एक ऐसा छिलके रखने को। छिलके रखने के बाद इसको फ्रीज़र में आप रखिए, सो देखना आप आराम से आपका ये 2-3 मंथ्स तो आराम से बहुत अच्छे से रह जाएगा। और यहाँ पर मेरा ग्लूकन डी भी रखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ डेट्स भी रखा हुआ है, क्योंकि डेट्स बाहर रहता है तो थोड़ा मॉइस्चर जैसा हो जाता है। और ये मेरा जिपलॉक वाला खुला हुआ पैकेट है, तो मैंने इसको बाहर ना रखे इसलिए फ्रीज के अंदर। आप बाकी जो फ्रोजन आइटम्स है जैसे कि कॉर्नस हो गया, उसको भी आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, और जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट अभी मैंने नहीं रखा हुआ है उसको भी पेस्ट बना के आराम से आप उसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करके उसको भी 8-10 दिन के लिए आप आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। बट आपको जब आप भी बना के पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले निकाल लीजिए। सो बस देन आते हैं हम इसकी राइट वाली सेल्फ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी मेरा रेडीमेड मसाला है सबको यहाँ पर रखा है, और मैंने इसको रखने के लिए कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं किया है, बस इसको उसी तरह से रखा है एक रबर बैंड डाल के। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कंटेनर यूज़ करती तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 5-6 मसाला रह पाता, इतना सारा मसाला कभी भी नहीं रह पाता। सो आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा फ्रीज़र में मसाला रखने से ख़राब हो जाएगा, आइस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप एक बार ऐसा रख के दिखिए और आपका काफ़ी टाइम तक अच्छा रहेगा, मसाला बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा ही रहेगा, और इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं होगा। और आप आराम से इसको बाहर रखते, अगर किचन कैबिनेट में वो आपका स्पेस भी लेता है, कि मेरा जो किचन का कैबिनेट है बहुत छोटा है, बहुत काफ़ी स्टोरेज नहीं है उसमें, तो अगर मैं हर कैबिनेट में इतना सारा मसाला रख दूँगी तो बहुत सारा स्पेस भी मेरा चला जाएगा, और बहुत कम चीज़ें होता है जो जिसको हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, उसमें से मसाला एक है। आपकी अगर कोई होममेड घर का बना हुआ मसाला भी है तक उसको भी आप फ्रीज़र में रखिए आराम से, साल तक भी कुछ भी नहीं होगा, उसमें कीड़ा वगैरह लगने की भी चांसेस नहीं है। और यहाँ पर मैंने नीचे बटर भी रखा हुआ है, सूप जो सूप का रेडीमेड पैकेट आता है उसको भी रखा हुआ है, यहाँ पर मेरा एक मैगी मसाला भी है, और ये जो डब्बा आप देख सकते हो इसमें पॉपी सीड्स है, जो कि पोस्तो बोलते हैं जिसको, पॉपी सीड ये भी है। सो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रीज के अंदर है, सो मैंने उसको एक रो का जो जूस का डब्बा आता है उसको यूज़ कर लिया है, उसको बिना फेंके, क्योंकि अंदर है तो दिखेगा नहीं, सो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो चलिए अब हम जाएंगे नीचे वाली रेफ्रिजरेटर की सेक्शन में,
और मेरा जो रेफ्रिजरेटर है वो डिवाइड है 5 सेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और मैंने फ्रीज में डाला हुआ है ये फ्रीज का सेट, जो कि इजीली मार्केट में या फिर ऑनलाइन स्टोर में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो फ्रिज का जो ग्लास होता है वो स्क्रैच भी नहीं होगा और आपको इसको क्लीन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप फ्रिज क्लीन करेंगे बस इसको निकाल के आप धो लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले सेक्शन में मैंने मैट नहीं डाला हुआ है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है थोड़ा सा छोटा है और ये मैट उसमें नहीं आ रहा था। और यहाँ पर भी नीचे जो सेक्शन है मैंने उसमें भी मैट नहीं डाला हुआ है, क्योंकि मेरे पास ये सेटअप 3 था और उसमें से एक गुम हो गया है जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे हैदराबाद से बेंगलोर, तो मेरा एक गुम हो गया है। तो ये है वो मेरी चारों सेल्फ जिसमें मैंने ऑर्गेनाइज करके अपना सारा सामान है फ्रिज में रखा हुआ है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को रखने के लिए फ्रिज में स्टोर करके मैं हमेशा ट्राई करती हूँ मैं कोई भी बॉक्स या फिर कंटेनर में उसको रखूँ, ताकि वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहे और फ्रेश भी रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा बहुत सारा कंटेनर है फ्रिज के अंदर। जैसे कि स्टार्ट करते हैं ये पहले वाले ऊपर सेक्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक स्लाइडर है जो कि ईजी टू स्लाइड है, जो इसको मैं कभी भी निकाल के यहाँ पर जो भी सामान है यूज़ कर सकती हूँ। और जितना भी छोटा छोटा कंटेनर होता है ऐसा, जिसमें इसमें मेरा जो घी है वो है, और जो एक ब्रेड स्प्रेडर होता है वो है, यहाँ पर एक पीनट बटर है, यहाँ पर मेरा जाम है, और यहाँ पर एक मिल्क मेड है जो कि मैंने खोला था और इसके ऊपर कोई कवर नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टिश्यू डाल के इसके ऊपर रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा सा फ्रूट्स है। मैं हमेशा जब भी बनाना रखती हूँ तो ट्राई करती हूँ यहाँ पर इसकी जो अलग अलग करके इसकी जो डंठी है इसमें फॉइल पेपर डाल के रखूँ, ताकि जो बनाना है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहे। बट अभी ये जो बनाना मैं लाई थी ये थोड़ा कच्चा था, सो इसीलिए मैंने इसको खोला ही रखा है ताकि ये जल्दी पक जाए। और इस तरह की बास्केट में या जो डब्बे है छोटे छोटे ऑर्गेनाइज करके रखने से आपकी जो फ्रीज है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखती है और आपको काफ़ी ईजी भी हो जाता है कि क्या है आपके फ्रीज में, इजी से देखने के लिए इसको निकाल के। ये वाला जो ट्रे है मैंने इसको आइकिया से लिया था, सो अगर ऑनलाइन पे ऐसा कोई बॉक्स मिलेगा सो मैं ढूंढ के आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। अब आते हैं इसकी जो लेफ्ट वाली सेक्शन पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर दो और इसके पीछे एक बॉक्स है। सो इसमें मेरा ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें मैंने मशरूम रखा हुआ है, और ये कोई बॉक्स मैंने ख़रीदा नहीं है, जो कि फूड डिलीवरी का मेरा जो बॉक्स होता है जो भी मैं खाना ऑर्डर करती हूँ उसमें ही मैंने ये वाला रखा है। तो इसको मैंने क्लीन करके रखा हुआ है, और मशरूम का जो पैकेट होता है वो खोल देने के बाद उसको क्लीन करके उसमें आप दोबारा नहीं रख सकते हो। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ इस तरह की जो डब्बा होता है और ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो इससे पता भी चल जाता है आपके फ्रिज में क्या है और आपको याद भी रहता है कब आपको क्या यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरी डब्बा भी है जिसमें मैंने अदरक, जो भी मैं जब भी अदरक लाती हूँ उसको हमेशा मैं धो के क्लीन करके फिर उसको ड्राई करके इस कंटेनर में रख देती हूँ, और इस तरह से ये जो अदरक है काफ़ी टाइम तक चला जाता है। और ये जो अदरक है आप देख सकते हो कितना फ्रेश है, और इसको मुझे लाए हुए अभी ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया है और ये अब भी कितना फ्रेश है। और इस दो डब्बे के पीछे भी मैंने एक डब्बा रखा हुआ है जो कि है ये, जिसमें मैंने रखा हुआ है धनिया का पत्ता, और ये ट्रांसपेरेंट डब्बा है तो आप क्लियरली देख सकते हो इसमें धनिया का पत्ता है। जो धनिया का पत्ता होता है उससे जो मॉइस्चर निकलता है, अगर आप इसको एक बॉक्स में रखें, और इसी तरह से मैंने यहाँ पर इसके नीचे एक टिशू भी डाला हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक टिशू पेपर भी डाला हुआ है मैंने। अगर आप इसी तरह से धनिया पत्ता को रखेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक रहेगा, और ये जो मेरा धनिया का पत्ता है ये लगभग अब 7 से 8 दिन हो गया है, और आप देख सकते हो ये अब भी कितना फ्रेश है। सो अभी आते हैं हम सेकंड सेल्फ में। सो यहाँ पर बेसिकली मेरा जो सब्जी होता है ये वाला स्लाइडर सेक्शन है। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा जो मेरा सब्जी वगैरह होता है ऐसा एक बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखने के लिए। तो ये जो मेरा बीन्स है अब मुझे लाए हुए 8 दिन हो गया है और अब भी ये फ्रेश है। सो ये है मेरा दूसरी बॉक्स जिसमें भी मैंने वही सेम सब्जी ही स्टोर किया है, आप दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसी तरह से जो वेजिटेबल्स, हर एक वेजिटेबल को बॉक्स में स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि भिंडी हो गया,
गया, गाजर हो गया, बीन्स हो गया, उस तरह की जो क्यूक्यूम्बर हो गया, इस तरह की जो वेजिटेबल है आप इजीली ऐसा बॉक्स में रख सकते हैं और एक के ऊपर ट्राई करिए एक सा दूसरा बॉक्स स्टक करके रखने के लिए। ऐसा इस तरह से रखेंगे तो आपकी जो काफ़ी फ्रिज का स्पेस है वो भी यूज़ हो जाएगा और ज़्यादा मैस भी नहीं होगा आपके फ्रिज। उसी तरह से यहाँ पर मैंने ये जो एक छोटा सा कंटेनर है इसमें मैंने चटनी रखा हुआ है जो कि आज सुबह ही मैंने बनाया था चटनी। और इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो ये एक और कंटेनर में यहाँ पर मेरा पालक है और पालक का मैंने धो के कट करके इसमें मैंने रखा हुआ है और ये पालक को अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 4 दिन हो गया है, फिर भी ये अच्छा है, जिसको कि मैं कल यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि हमेशा कोई भी एक सब्जी आपको नेक्स्ट डे फिर से बनाने का मन नहीं होता है, फिर से आप 2-3 दिन के बाद ही बनाओगे वही सब्जी। सो इस तरह से आप अगर रखेंगे इसको धो के क्लीन करके तो ये काफ़ी टाइम तक स्टोर होता है। उसकी राइट में है यहाँ पर भी मेरा 3 बॉक्सेस है। सो इसमें एक में मेरा जो कटा हुआ जो भी बच जाता है, हाफ नींबू हो हाफ टमाटर हो, मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ। आप देख सकते हो जो बैंगन है उसको, उसका जो डेंटल है उसको भी मैंने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है क्योंकि इसलिए आज मैंने जो बैंगन है उसको कट किया था और मुझे पता है कल मैं डोसा बनाने वाली हूँ। सो ये मुझे यूज़ होगा क्योंकि अगर मैं कल और एक नया बैंगन का उसको डेंटल काट के उसको यूज़ कर लूँ तो वो कल ख़राब हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर एक बॉक्स में मेरा कड़ी पत्ता है जो कि आप देख सकते हैं, पर एक मेरा और दूसरी बॉक्स में नींबू और यहाँ पर हरी मिर्च है। और हरी मिर्च को अच्छी रखने के लिए काफ़ी टाइम तक उसी सेम प्रोसेस में धनिया पत्ता के जैसा आप नीचे एक टिशू डाल दीजिए और इसका जो डेंटल होता है उसको आप तोड़ के ऐसा रख लीजिए और इस तरह से जो आपका मिर्च है वो काफ़ी टाइम तक अच्छा रहेगा। तो ये हो गया दूसरा सेक्शन, अब आते हैं हम 3rd सेक्शन पे। सो ये जो सेक्शन है मेरा, अब इसमें जो खाना बचा हुआ खाना है वो स्टोर है, जिसमें यहाँ पर मेरा एक सब्जी स्टोर है और उसके पीछे ये मेरा और एक जो यहाँ पर मेरा जो लहसुन है ये मैं रेडीमेड लाई थी छिला हुआ और इसको मैंने धो के क्लीन करके ड्राई करके उसको मैंने रखा हुआ है। और आप चाहें तो ऐसा छिलके भी रख सकते हैं, मुझे अच्छा फ्रेश मिल गया था मैंने इसलिए रखा हुआ इसको और मैं छिलके भी रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रेडीमेड यूज़ करती हूँ, इस बार मुझे अच्छा फ्रेश मिल गया था तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। और उसकी साइड में मेरा एक जूस है जो कि मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देख सकते हो आप पेपर में जो साग होता है मैंने उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, क्लीन करके आप देख सकते हो है, क्योंकि अगर आप पेपर में इसको रखते हो जो इसका मॉइस्चर होता है तो उसका वो जो पेपर है वो सॉक कर लेता है और जो साग होता है वो आपका काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता है। और ये जो मेरा साग है अब 2 दिन हो गया है और इसको भी और ये 4-5 दिन तक लगभग अच्छा रह जाएगा। तो अब आते हैं हम यहाँ पर 4th सेक्शन में। तो हमेशा जो ये नीचे का सेक्शन है मैं इसमें ट्राई करती हूँ इस तरह की एक स्लाइडेबल बॉक्स रखने के लिए, क्योंकि हमेशा बहुत नीचे झुक के देखने के लिए इजी भी नहीं होता है और हम बहुत सारा जो चीज़ होता है वो पीछे चला जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। इसमें मैंने टमाटर रखा हुआ है क्योंकि टमाटर जो है मुझे रोज़ यूज़ होती है तो मैं इसको इजीली निकाल के स्लाइड करके निकाल लेती हूँ। और इसमें मेरा एक पाव भी बचा हुआ पाव है, एक कैप्सिकम है, जो ऐसा छोटा मोटा सामान रहता है मैं इस तरह की बॉक्स में रख देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फैला ही ना रहे और फ्रिज का जो स्पेस है वो वेस्ट ना करें। और उसी तरह से मेरा यहाँ पर 2 कंटेनर में बैटर है डोसा का, दूसरे में वैसा ही कुछ मेरा सब्जी है। और उसकी राइट साइड में यहाँ पर मेरा जो ब्रेड है वो है। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन में जो कि है नीचे का जो वेजिटेबल बॉक्स होता है, स्लाइडर वाला बॉक्स। तो इसमें जो सारा सब्जी होता है मैंने उस सब्जी को यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जो भी सब्जी हो उसको एक कैरी बैग में रखूँ ताकि वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहे। और यहाँ पर मेरा पोटैटो वगैरह जितना भी वेजिटेबल हो गया मेरा सब जो सब्जी है यहाँ पर रहता है। तो अभी हम आते हैं मेरी जो की जो राइट साइड की सेल्फ है इस तरफ। सो इस तरफ यहाँ पर मेरा यहाँ पर भी 3 सेक्शन है। तो पहला वाला सेक्शन का जाते हैं। सो ये जो पहला वाला सेक्शन है मैं इसमें जितना भी मेरा जूस होता है, कर्ड होता है, मिल्क होता है इसमें रखती हूँ क्योंकि मिल्क मेरा बिल्कुल इसका सामने रखा हुआ है, हमेशा ज़रूरत होता है तो इसलिए मैं इसको सामने रखती हूँ ताकि ये सामने भी रहे और जो अंदर का स्पेस है वो भी बचा रहे। और यहाँ पर जो मेरा मायो है वो भी है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट वो है और यहाँ पर एक चीज़ भी है। और उसकी नीचे वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको मुझे कोई डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एग का सेक्शन है तो ऑब्वियसली इसमें एग ही मैं रखा है मैंने भी। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट सेक्शन में। जो लास्ट सेक्शन होता है ये बहुत नीचे होता है, सो मैं ट्राई करती हूँ जो चीज़ हमेशा मुझे कम यूज़ हो वो मैं नीचे वाले सेक्शन में रखूँ,
क्योंकि इसको मुझे झुक के लेना पड़ता है। तो ये जो सॉस वगैरह होता है ये काफ़ी कम यूज़ होता है, सो मैंने इसको मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जो सॉस वगैरह है इसको नीचे ही रखूँ, क्योंकि ये रेगुलरली मुझे कोई यूज़ ही नहीं होता है इन सब सॉस का। सो बस यही था मेरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। और कभी भी जो फ्रिज है आप उसको ओवर क्राउडेड मत करिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो हर एक सेल्फ में स्पेस बचा हुआ है, बिल्कुल भी कोई भी सेल्फ मेरा ओवर क्राउडेड नहीं है। और जो सेल्फ है उसको ओवर क्राउडेड करने से आपको पता भी नहीं चलता है आपकी फ्रिज में क्या सामान है और क्या रह जाती है, आपको ख़राब भी हो जाता है वो भी उसको पता ही नहीं चलता है। और अगर आप थोड़ा सा उसमें ब्रीदिंग स्पेस देंगे फ्रिज में जो भी आपका स्टोरेज है, तो आपकी जो भी सब वेजिटेबल्स वगैरह है वो काफ़ी दिनों तक अच्छा रहेगा। हमेशा ट्राई करिए जो कि आपकी जो फ्रिज की स्पेस है उसको ओवर क्राउडेड ना करके आप थोड़ा सा स्पेस देके ऐसा ही रखें। ओके गाइस, तो यही था मेरा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो देन प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ आइडिया है जैसे कि सब्जी वगैरह अच्छा रह सके काफ़ी टाइम तक, देन आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ वो शेयर कीजिए। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।